हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि चैप्टर क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है, इसका थर्ड पार्ट करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इसके दो पार्ट्स करवाए हैं, जिसमें मैंने जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे जो अभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं वो डिस्कस करे हैं। दोनों पार्ट्स में मैंने वही किए हैं और उसी के आगे की सीरीज को ये कम्प्लीट कर रही हूँ। ये इसका थर्ड पार्ट है। अब इसमें जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसकी SI यूनिट बनानी है। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसे आप EMF से डिनोट करते हैं या EMF लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, इसको ना एक स्टाइलिश E से डिनोट किया जाता है, W अपॉन में Q इसका फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, वोल्ट, जिसको V से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है E = W/Q। यहाँ पे W वर्क डन हो गया, Q चार्ज हो गया, चार्ज मतलब आवेश एंड वर्क डन का मतलब होता है किया गया कार्य। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन आपको गिवन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है और करंट डेंसिटी, ये दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एंड करंट डेंसिटी, ये किस टाइप की क्वांटिटी है। किस टाइप की क्वांटिटी का मतलब है जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है उनको फिजिकल क्वांटिटीज में डालते हैं। अब ये दो टाइप की होती है, एक होता है स्केलर, एक हो गया वेक्टर, ठीक है। तो अब जो स्केलर में होता है, वैसे तो इसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स आती है, बट अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो क्वांटिटीज है इसमें आपको बताना है कि स्केलर है या फिर वेक्टर है। सो सबसे पहली चीज, अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। और एक और चीज आपने देखी होगी, जैसे सपोज मैंने कोई क्वांटिटी ले ली यहाँ पे और उसके ऊपर आपने ऐसे एरो का सिंबल लगा दिया, इस एरो का मतलब है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, तो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा अगर मैं स्केलर क्वांटिटी बताऊं तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है। सो वो क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक करंट इज अ डैश क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको आई से हम डिनोट करते हैं, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर आप में से किसी ने चीज ऑब्जर्व करी होगी तो मैंने आई के ऊपर क्या लगाया, वेक्टर लगाया, इसका मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्टिल हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका जो आंसर है वो होगा स्केलर। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसे स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा जाता है, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यहां से भी आपका क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। सो इसका आंसर ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, I = Q/T होता है, I करंट हो गया, क्यू चार्ज हो गया, टी टाइम डेकन हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, इसमें एक और चीज है कि जो इसकी यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, कैपिटल A से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी यहाँ पे आपने लिखा करंट डेंसिटी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, AM-2 से इसको डिनोट करते हैं। जो इसके बाद में डायमेंशंस, कई बार होता है कि ना बहुत सारे ऐसी यूनिट्स होते हैं जिसके ना हमसे डायमेंशंस पूछ ली जाती हैं, तो डायमेंशंस जिसकी आपको पता नहीं हो लिख लीजिएगा कि डायमेंशंस कौन सी होती है, वन मार्कर में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। सो जो करंट डेंसिटी इसकी जो डायमेंशंस है वो है AL-2, A यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, L लेंथ हो गई। इसके अलावा जो करंट डेंसिटी है इसको J से, स्मॉल J से इसको डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Q/T। Q/T क्या होता है, I, यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, I = Q/T होता है। तो आप चाहे Q/T लिखे चाहे I लिखे, सेम ही बात है अपॉन में A। सो करंट डेंसिटी के लिए आपके पास यहाँ पे दो फॉर्मूलेज हैं, Q/T / A भी लिख सकते हैं और I / A भी आप लिख सकते हैं। अब इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो कंसेप्ट है ना ओमिक नॉन ओमिक में डिफरेंस क्या होता है, इसके यूजेस क्या है और इसका ग्राफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सो द क्वेश्चन इज, द मेटालिक कंडक्टर इज डैश फॉर स्मॉल करंट्स एंड लार्ज करंट इट बिकम्स दिस।
अगर कोई भी मेटालिक कंडक्टर है, अगर करंट जो है उसका अमाउंट स्मॉल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, तो उस टाइम पे ये ओमिक होता है, और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है तो ये नॉन ओमिक बन जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये ओमिक और नॉन ओमिक है, ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो ये जो ओमिक वर्ड है ना, ये आया है ओम्स लॉ से। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओमिक और नॉन ओमिक क्या होता है। सबसे पहली चीज, जो ऑन ओमिक ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वो ही जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उन्हें हम नॉन ओमिक कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ओम्स लॉ क्या होता है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ये चीज नहीं पता होती। सो ओम्स लॉ में आपने दो फॉर्मूले देखे होंगे, वी इज इक्वल टू आई आर एंड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इनमें से ओम्स लॉ कौन सा होता है? आंसर अगर आप ये कहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो ओम्स लॉ है ना वो हमें इसके बीच का रिलेशन देता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये जो रिलेशन है ये हमें ओम्स लॉ से है, उसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला आता है वी इज इक्वल टू आई आर। वी वोल्टेज हो गया, आई करंट हो गया, और आर क्या हो गया? रेजिस्टेंस। इट मीन्स कि जो कंडक्टर्स या जो मटेरियल्स ये वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं वो होते हैं ओमिक कंडक्टर्स, और जो इसको फॉलो नहीं करते या जो इसको ओबे नहीं करते वो होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना दो डिफरेंस दिए हैं, एक होता है ओमिक और एक हो गया नॉन ओमिक का। अब इसमें ओमिक में देखिए, जो ओबे करते हैं ओम्स लॉ को ये मैंने अभी बता दिया, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो क्या होते हैं? नॉन ओमिक। पहले मैं आपको ओमिक बता देती हूँ फिर नॉन ओमिक। तो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उसके अलावा इसमें एक रिलेशन आता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये जो रिलेशन है ना वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये लीनियर होता है अगर आपके पास ओमिक कंडक्टर होता है तो, ठीक है। मतलब जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्या होता है? लीनियर। इसके अलावा जो इसमें वी आई ग्राफ होता है ओमिक कंडक्टर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो ग्राफ बनता है वी आई ग्राफ जो बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, प्लस ये हमेशा ओरिजिन से पास करता है। नाउ यू कैन सी ऑन बोर्ड, ये वी आई ग्राफ है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे वी नेगेटिव होगा, ये आई पॉजिटिव है, यहाँ पे ये आई नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से जो ग्राफ पास हो रहा है, और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है इसमें ये कि जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होता है। इसके बाद में जो सेकंड वाला है वो है नॉन ओमिक कंडक्टर। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। दूसरी चीज, इसमें जो ग्राफ होता है वी आई ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो ये कंपलसरी नहीं है। हाँ वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं ग्राफ के, देखिए एक तो ये वाला ग्राफ है जिसमें ओरिजिन यहाँ पे है, यहाँ से ये पास नहीं होके थोड़ा सा दूर जा फ्लो रहा है, ठीक है। और दूसरा ये ग्राफ है थोड़ा सा कर्वी ग्राफ है। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल है। आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ पूछे जा सकते हैं, उनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। ये ऑप्शन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, कौन सा नॉन ओमिक का ग्राफ है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होंगे, और आई थिंक सो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट तो ये हो गया कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, सेकंड इसका ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होता, उसके अलावा जो वी आई रिलेशनशिप होता है जो यहाँ पे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ओमिक कंडक्टर में लीनियर होता है, लेकिन जो नॉन ओमिक होते हैं उनमें ये लीनियर नहीं होता। इसके अलावा जो वी आई रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा यूनिक भी नहीं होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ओमिक और नॉन ओमिक के बीच का डिफरेंस था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड करे हैं। ये थर्ड पार्ट है वीडियो का, इससे पहले आपको दो पार्ट्स मिल जाएंगे। प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियोज को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।